हेलो गोविंदा सर, मैं मधु हूँ द बस डायरी से। तो आपने याद दिलाया तो हमें समझ में आया कि 15 साल हो गए और आप अब हीरो बन के आ रहे हैं। पर ऐसा हमें तो लगा नहीं, हम कोई भी फिल्म देख लेते हैं तो लगता है बस आज के ही हीरो हैं और कल ही की फिल्म है ये और बस सिलसिला चल रहा है। तो आप बहुत सारे किरदार देखे, आपके आपके फॉलो भी कर रहे हैं। मैं रंगीन कपड़े खुद ही पहन के आई हूँ, मैंने कहा गोविंदा के ट्रेलर लग रहा है तो होना चाहिए, रंगीन होना बहुत चाहिए। बढ़िया, लग भी ऑमलेट रही है, बहुत बढ़िया। तो हमने तो बहुत सारे किरदार देखे आपके, पर आप पब्लिक लाइफ में मतलब थोड़ा सा कम रहे हैं, कम बोलते हैं, जैसे थोड़ा संजीदा हैं। तो ऐसा कौन सा किरदार था जिससे हम रिलेट कर सके कि ये मतलब आप कहेंगे कि इसमें गोविंद मतलब असली गोविंदा की एक झलक थी? पर्सनल टच मेरी हर फिल्म में होता है, परंतु पूरी फिल्म जो है मैं उसे कभी वो नहीं करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जिंदगी में आप उतना ही उसमें आप कर सकते हैं, परसेंटेज टच दे सकते हैं। हालांकि मुझे बहुत ये अवसर मिले फिल्मों के दरमियान जैसे आप कह रही हैं, परंतु थोड़ा थोड़ा सा होता है टच, पर्सनल टच जो कहते हैं, ज़्यादा नहीं। तो मतलब असली गोविंदा निकल के नहीं आया, मतलब आपने ज्यादा अपने बारे में बोला नहीं है। जिस वक्त आप किरदार निभा रहे हो उसमें आपको असली गोविंदा करने की क्या आवश्यकता है? मुझे ऐसा लगता है कि जिस वक्त किरदार निभा रहे हो तो वो किरदार जो आप भूमिका निभा रहे हो उसी की तरह आपको लगना चाहिए। इसीलिए आप लोगों ने वो असली गोविंदा तो हो ही नहीं सकता ना, क्या है कैसे वो भी नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच, थैंक यू गोविंदा जी। यहाँ पे चलो कहीं पर भी बोल सकता हूँ गोविंदा जी, 15 साल के बाद जब आप ऐसे हीरो आ रहे हैं तो आप कॉन्शियस हैं अपनी मतलब इमेज को लेके कि मुझे अभी फिर से वैसे नजर आ रहा है एक बार? लोग नहीं है कॉन्शियस आपको लेके, आप हैं खुद? ये डर आर्टिस्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये भय नींव हो जाता है आपके अच्छे कर्म की, हार्डवर्क की, तो ये महत्वपूर्ण है। सभी प्रकार के जो भय है वो काश के नहीं हो पाते, परंतु ये जो भय है आर्टिस्ट का ये बहुत महत्वपूर्ण है उसके लिए, यहीं से तो वो निकलता है। जिस वक्त डर लग गया था कि मम्मी पूरे घर परिवार में सब घर परिवार वही संभाल रही है, तो ये भय निकल लग जाते हैं मुझे, इसी भय की वजह से मैं निकला। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस वक्त आप आपके डर से आगे निकलते हैं तो फिर जीत से मुलाकात हो ही जाती है। लाइक अभी सलमान खान से लेकर और ऋतिक रोशन आज भी वो बोलते हैं कि आप आ जाते हैं तो पर्दे पे कोई और नजर नहीं आता। लेकिन मतलब मुझे यही पूछना था कि आप जब हम लोग पर्दे में आपको देखा तो आप वैसे ही लग रहे थे, लेकिन मुझे पर्सनली आपको देख के लगा कि आप काफी कॉन्शियस है अपने। हाँ, मैंने जो अब जो हुआ है ऐसा, ये सच है। क्या है, आप जिस वक्त ऐसी जगह चले जाते हैं जो आपका विषय नहीं हो तो वो आपके लिए सुखद अनुभव नहीं होता। उसे मैं पॉलिटिक्स में जो उस गया था वहाँ से जो मैं निकला हूँ, मैं अब तक इसी में लगा हुआ हूँ कि मैं पुनः वैसा हो जाऊँ जैसे कि मैं हुआ करता था, परंतु मेरी वैसी सोच ही नहीं रही। मेरी मुलाकात करता हूँ, मैं लोगों से मुलाकात करता हूँ, उन लोगों से उनके विषय समझता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यह तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो बेफिक्री जो थी वो थोड़ी सी निकल गई है, ये सच है। परंतु जिस वक्त आप लोग ये फिल्म देख रहे होंगे तो उसमें आप ऐसा नहीं महसूस करेंगे, वो हार्डवर्क हुआ है उसके, तो वो हाँ वो हो गया है। मेरा एक लास्ट सवाल है कि रजनीकांत जी जैसे पर्सनल लाइफ में काफी रिजर्व्ड और काफी अलग है, और फिल्मों में वो रॉबर्ट और वो सब अलग टाइप, वैसे आपके लिए भी मैं बोल सकती हूँ कि आप पर्सनल लाइफ में जितने सीरियस है और असल मतलब पर्दे पे उसके अपोजिट है? Somebody is laughing at you. हाँ, रिजर्व्ड हो रहा है, सीरियस रहते मामी सामने बैठी है ना उसके साथ, तो सब डर लगने लगता है। हेलो सर जी, सर मेरा सवाल है कि सर अभी आपने ट्रेलर में हम लोगों ने देखा कि आपने बहुत बड़ी ऐसी मतलब स्टंट्स किए हैं जी, तो स्टंट्स करते समय आपको कुछ अड़चन हो गई? वो पैसे लग जाते हैं आदमी स्टंट करते उछलने लगता है जो सदियों से नहीं उछला हुआ वो भी उछलने लगता है, हो जाते हैं स्टंट्स। ये जो पहले कभी नहीं किए वो स्टंट किए इस फिल्म में, ये सच है। मुझे भी नहीं लगा था कि मैं स्टंट सब कर पाऊंगा इस फिल्म में, काफी टाइम ऐसा हुआ कि लगा कि सब लगा कि डर लग गया था कि फटफट ना जाए सर,
पर परंतु वो हो गया। इच्छा शक्ति जो है, आज सरस्वती पूजन का दिवस है, मुझे ऐसा लगता है कि आदमी की इच्छा शक्ति और उसकी कल्पना शक्ति अच्छी हो तो वो कामयाब हो जाता है। तो इच्छा तो बहुत थी और कल्पना जो है वो वर्क कर गई, तो अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि शायद काफ़ी करीब है, जिस वक्त सिनेमा देखेंगे आप तो लगेगा कि हाँ ये जो कह रहे थे वही है, वरना मैं डर जाता हूँ तो मैं कह देता हूँ कि मेरी बैंड बज गई है। गोविंदा जी, जैसे हीरो का जो टाइटल है वो आपके लिए हमेशा लकी रहा है, तो इस टाइटल को खास वो हीरो और अगर लकी चांद देने के लिए दिया था या? यू आर राइट, 20 वर्ष पूर्ण हो गए हीरो नंबर वन फरवरी 21 में, और मुझे ऐसा लगा कि ये आ गया हीरो जो है ये इसका राइट टाइटल रहेगा, और मैंने सोचा कि ये लकी था तो विल यूज दिस सेम टाइटल एंड आ गया हीरो। घर की फिल्म है, अभिषेक को लेने के लिए नहीं सोचा था, घर की नहीं है, सपोर्ट पर उनके लिए कोई रोल नहीं था भांजी के लिए, पैसा लगाया उन्होंने अपना। नहीं नहीं अभी वो ये बहुत कृपा रही, ये मम्मी का आशीर्वाद रहा है कि घर परिवार में जो जो सदस्य हैं सब अच्छे आर्टिस्ट हैं और अच्छा वर्क कर रहे हैं, और मशहूर है ये बात कि आप जिस वक्त पुनः वहाँ आ रहे हो कि भैया आप आ जाए हम आ जाएंगे, तो जिस वक्त मैं आया था मैं विरार से अकेला ही निकला था और उसके बाद में घर परिवार में इतने सारे आर्टिस्ट आ गए, मैं पुनः आ गया हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत से आर्टिस्ट आएंगे फिर आपको फिर देखने मिलेगा, तो ये लोग तो फिर तो है ही है हीरो। और ये देखिए कमाल का मैं कह रहा था जैसे कि एज अ हीरो जिस वक्त मैं आया तो ऑल द हीरोज एंड माय हीरोइन दे हैव स्टूड बाय मी, द होल फिल्म इंडस्ट्री हैज स्टूड बाय मी, एंड मुझे ऐसा लगा कि ये सपोर्ट एक घर परिवार है और ऊपर वाले में बहुत ही मेहनत के साथ ये वर्षानुवर्ष सदियाँ निकल गई और ये हुआ है ऐसा, और सूक्ष्म दृष्टि से जिस वक्त आप जीवन देखने लगते हैं तो साफ साफ नज़र आता है कि ये हम सब हैं जो एक उसी कृपा से, चांद की कृपा से ये सब सितारे इकट्ठा है और ये सदैव रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। तो जो लोग इसके आत्मसंबंध समझते हैं जैसे सलमान खान है वो ये आत्मसंबंध समझते हैं, तो वो लोग डिफरेंट होते हैं, अच्छे हो जाते हैं और उनके जो भाव होते हैं फिल्म आर्टिस्ट लोगों के प्रति वो कभी गलत नहीं होते, तो वैसे हो गया तो अच्छा ही लगा। गोविंद जी यहाँ रवि यहाँ स्टेट स्टेट सर गोविंद जी मैं जानना चाहूंगा जैसे कि ट्रेलर देखा तो ट्रेलर में हमें 80 और 90 के दशक के का जो सिनेमा होता था और जिस तरह की आपने काफी फिल्में की हैं बहुत सुपरहिट भी रही हैं उस तरह की झलक देखने को मिली, लेकिन 2000 के बाद सिनेमा का जो कलेवर है वो बदल गया, उनका रूप अलग हो गया है। ये दुविधा थी आपके मन में कि 80s और 90s के सिनेमा की तरह ही सिनेमा बनाऊं बीइंग अ प्रोड्यूसर बीइंग अ हीरो या एक नए तरीका का सिनेमा बनाऊं क्योंकि सिनेमा बदल गया है बहुत काफी 15 सालों में, तो कोई ऐसी दुविधा थी आपके मन में? मुझे शुरू से चाइल्डहुड से मुझ में रहा है कि मैंने दुविधाओं को सुविधाएं बनाया और उसे ऐसे बनाया कि मुझे ये नज़र आया कि जो अमेरिकनाइज्ड हो जाता है जिस वक्त सिनेमा, तो उस वक्त सब शॉर्ट पहन के बाहर निकलते हैं, आर्टिस्ट जो है अलग घूम रहे होते हैं और कोई अलग नज़र आते हैं, तो परंतु हम लोगों की भूमि की ये खासियत रही है कि ये दैवी स्थान है और इस दैवी स्थान में शक्ति की जो है उपासना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और आप दक्षिण में देखेंगे तो दक्षिण में जो है आज भी ऐसा नहीं लगता है कि आप वो फिल्म देख रहे हैं जो कहीं और आपको देखने मिल जाए, वो लोग दक्षिण के जो है वो दक्षिण से जुड़े हुए हैं। मेरी जितनी भी आपने सब सुपरहिट फिल्में देखी हैं वो सब दक्षिण की रही हैं, चाहे वो आंखें हो, शोला शबनम हो, राजा बाबू हो, कुली नंबर वन हो, बड़े मियाँ छोटे मियाँ हो, हीरो नंबर वन हो, जितनी भी फिल्में हैं सब दक्षिण की रही हैं, और मेरा नाम गोविंदा जो है वो दक्षिण का है, मैं सदैव दक्षिण को गुरु ही मानता आया हूँ वर्षानुवर्ष, और मुझे लगता है कि ये कभी भी खत्म नहीं होगा,